रुक गया वो अंदर चला जाए ना, और दो चार जन पब्लिक से भी पूछ लिया जाए, पब्लिक में उनसे पूछिए ऐसा रुके ना कम है ना, एक महीने का काम है, एक लेकिन राशन राशन जब तक नहीं फिंगर लगेगा जब तक राशन मिलेगा नहीं किसी फिंगर नहीं लगेगा भैया, जो पूछ रहा है उसको बताइए कितने महीने का राशन, दो महीने का राशन हमारा था, पंद्रह दिन से परेशान है, रोज मांग रहे, रोज आज बिहान आज बिहान आज बिहान हो रहा है, रात भी कोला की सर 8 बजे मिलेगा, कोटदार से मुलाकात रात में बोला है हमको सरजान से राशन देने के लिए, 4:30 बजे मैं दुकान पर से आया जाकर के सो गया, यानी दो फोन कर रहा है, महीने का फिंगर भी लगवा लिया है, फिंगर लग गया है, फिंगर में लग गया है, पर्ची निकाल के दे दिया है, यही समस्या है, 23 महीने का है, उस महीने की सारे लोगों का यही समस्या है, जो राशन बाकी है दो चक्कर का उसको मिलने के बाद ही फिंगर लगेगा पिछौरा में, हाँ तो हम कुछ दिवाएंगे, अब फिंगर नहीं लगेगा, राशन मिलने के बाद ही फिंगर लगेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राशन मिलने के बाद ही फिंगर लगेगा, दो महीने का राशन मिलने के बाद कोटेदार ने फिंगर लगवा लिया है, कोटेदार फिंगर लगवा कर रसीद दे रहे हैं, कोटा नहीं दिए, चावल नहीं दिए, राशन दिए, बाकी रह गया है, दो महीने का राशन मिलने के बाद आपका रसीद दिखाइए, ये रसीद मिली है आपको, चार महीना देखिए ये रसीद है, कोटेदार साहब ने रसीद फिंगर लगवा कर और रसीद थमा दिए हैं, राशन नहीं दिए हैं, रसीद देखिए, दो महीने का सर आपका क्या नाम है, राकेश मनोवाल, क्या राकेश मनोवाल, आपका सर जी विद्यासागर देवी जी, आपका क्या नाम है, ठीक है ब्रह्म जी, आप कुछ कहेंगे ब्रह्म जी, मेरा सिद्धांत भैया यही है कि गरीबों को जो जानता है राशन बाकी है उन लोग को मिलना चाहिए, कहीं से मिलना चाहिए उससे नहीं मतलब है, नहीं मिलेगा तो हम लोग जिला पे जाएंगे, जिला पे प्रदर्शन करेंगे, जनता की जो भी बाकी है उसको मिलना चाहिए, बस मेरा मतलब ठीक है, मेरा निवेदन ये है, सरप्राइज मित्र साहब से मेरा निवेदन है कि गांव की समस्या से आप अवगत हुए, सारी पब्लिक आपने बयान लिया, सच्चाई आपके सामने आ गई, दो महीने का राशन घोटाला में कोटेदार कर लिया, गरीबों को राशन नहीं मिला, गरीबों के राशन पर डाका डाला गया है, तो हम गरीब पूरी जनता एक स्वर में ये आवाज देती है, यदि कार्रवाई नहीं हुई, ये एफआईआर नहीं किया गया, जेल में नहीं डाला गया और गरीबों को राशन नहीं दिया गया, तो हम लोग बात हो जाएंगे जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देने के लिए, सही बात ही है, आप देख रहे हैं आईसी न्यूज के माध्यम से, मैं अभिलाष कुमार जनता बीच में जनता की समस्याएं को आप लोगों के सामने रूबरू करा रहा हूँ, साहब आए हैं और कार्रवाई करने का आश्वासन दिए हैं, यहाँ पर ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है, इसे देखते हुए ग्रामीण अपनी अपनी समस्याएं को बता रहे हैं, जी सर आप क्या बोलेंगे, हमारे गांव के जनता इतना स्वाभिमान है, जी सर सारे लोगों में से एक एक किलो काटने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोलता, जी सर अगर दूसरे महीना राशन न मिलने से सब उत्तेजना हो गया, जी सर ये राशन मिलना ही चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग जिले पर पूरा गाँव को लेकर ले जाएंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के पोर्टल में भी डालेंगे, अधिकारी मिली जुली भगत से काम होता है ये जान लीजिए, वो सीधे कहते हैं जन प्रशासन को खड़ी हुई है, मौके पर प्रशासन भी आकर आप मौके पर जनता को आक्रोश रोकी और कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के आश्वासन देते हुए सभा इंस्पेक्टर चले गए, आईसी न्यूज अविनाश कुमार।